गेहूं की फसलों में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के महरौली गांव में गेहूं के खेत में आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें आग ने ग्रामीणों के आधा दर्जन झोपड़ियों को आगोश में ले लिया। हादसे में चार मवेशियों की जलकर मौत हो गई। इस दौरान आग बुझाने के प्रयास में पांच ग्रामीण भी झुलस गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग को काबू किया, तब स्थिति नियंत्रण में हो सकी। जितेंद्र पासवान प्रधानपति हैं। डंठल कोई जरा दिया है दूसरे गांव का, आज इधर आ गई है गांव में हरोली में, यहाँ चार गरीबों की झोपड़ी जल गई है, जिसमें चार बकरियाँ थी और काफ़ी लोग गरीब हैं यहाँ के। गांव में मकान भी नहीं है, छप्पर का मकान था गुजर के समय। अब कुछ तो गेहूं रखे थे, कुछ पैसा उन लोगों का, और चार बकरियाँ हैं, एक एक नेहरू नाम के हैं वो जो जल गए।